हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता शांता कुमार ने शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और पंकजा मुंडे के मामले पर पार्टी के रुख पर असंतोष व्यक्त किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लिखी चिट्ठी में शांता कुमार ने कहा कि इससे पार्टी को नुकसान हुआ है और पार्टी कार्यकर्ताओं का सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को आंतरिक एथिक्स कमेटी बनानी चाहिए जो पार्टी में लोकपाल का काम करे, जो राज्य स्तर के नेताओं को बता सके कि आपसे गलती हुई। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब बीजेपी के किसी नेता ने इस तरह से असंतोष जाहिर किया हो पार्टी की कार्रवाई के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इस पहले भी कई नेताओं ने असंतोष जाहिर किया है पार्टी के अंदर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि जिस तरीके से मैंडेट हमें मिला, जनता ने हम पे विश्वास जताया और जिस तरीके से अब ये आरोप लगे हैं, और ये एक दिन में आरोप नहीं लगे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के आरोप हो, राजस्थान के आरोप हो और व्यापम जैसी घटनाएं हुई हो, इससे कार्यकर्ताओं का जो सिर है वो शर्म से झुक गया है। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है और ये शब्द बताता है कि कितने हताश हैं। शांता कुमार एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा पार्टी के अंदर माना जाता है कि वो अपनी बात को सही से रखते हैं और वो पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, और अगर वो इस तरीके का पत्र बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर जो गड़बड़ियां चल रही हैं, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे को पार्टी ने बैक किया, उसके बाद ये आरोपों को लेकर शांता कुमार का ये पत्र लिखना बताता है कि पार्टी के अंदर कार्यशैली को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, चाहे वो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। और जिस एथिक्स कमेटी की उन्होंने बात कही है, क्या उस पर विचार हो सकता है? देखिए, पार्टी के अंदर एथिक्स कमेटी होती है, लेकिन वो इस तरीके के मैटर तब देखती है जब आरोप लगते हैं और किसी कार्यकर्ता या नेता से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जिस कमेटी की बात शांता कुमार कह रहे हैं, वो कमेटी, उनका कहना है कि लोकपाल की तरह काम करे और वो स्टेट लीडर्स और केंद्र में जो नेता है या जो सरकारें काम कर रही है वो बताएं कि देखिए आपने ये गलती की है, इसको सुधारा जाना चाहिए। वो उस कमेटी की बात कर रहे हैं, वो एथिक्स कमेटी की बात जो है वो पार्टी के अंदर होती है। लेकिन जिस एथिक कमेटी की बात शांता कुमार कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर वो कमेटी लोकपाल का काम करनी चाहिए। जी, लेकिन अगर चिट्ठी पर नजर डालें तो बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा है कि एक साल शानदार रहा बीजेपी के कार्यकाल का, लेकिन उंगलियां उठती रही हैं और उठती रहेंगी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और ये चिट्ठी तब आई है जब मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल विपक्ष पहले ही सरकार के ऊपर हमलावर है। ललित मोदी के साथ वसुंधरा राजे के जिस तरीके के फाइनेंशियल चीजें निकल कर आई, महाराष्ट्र के अंदर पंकजा मुंडे के आरोप लगे, व्यापम में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है उनको लेकर आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन अब शांता कुमार की स्थिति से विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिलेगा और वो ये सवाल जरूर खड़े करेगी, देखिए आपकी पार्टी के अंदर ही लोग इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना होगा। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के लिए ये एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता का पत्र आना पार्टी के गतिविधियों के खिलाफ कहीं ना कहीं जरूर विपक्ष को एक अच्छा मौका आज हाथ लगा है। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हिमांशु मैं संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि इस तरह से शांता कुमार ने पत्र लिखा है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को और कहा है कि पार्टी में